आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। दीपावली की खुशियां बदली मातम में, सड़क हादसे में हुए एक की मौत, मचा कोहराम। वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। दीपावली के चमक दमक के बीच शहरी क्षेत्र के दो स्थानों में मची अफरा तफरी। मुस्लिम बाजार और बावन टोली के एक एक दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड के मदद से जल्द ही पाया गया आग पर काबू। लाखों की सामग्री जलकर हुई खाक। बेगाबाद थाना परिसर में उत्साह भरे माहौल में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का हुआ उद्घाटन। एसपी सुरेंद्र झा समेत कई खासों आम हुए शरीक। तमाम लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस प्रयास की मुक्त कंठ से की सराहना। और काली पूजा को लेकर बंगला स्कूल में आयोजित हुई कई तरह की प्रतियोगिताएं। बच्चे व महिलाएं बेहद उत्साह से इन प्रतियोगिताओं में हुए शामिल। विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। दिवाली की खुशियां बुधवार रात उस वक्त काफूर हो गई जब सड़क हादसे में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। शहरी क्षेत्र के सदर अस्पताल के समीप एक अज्ञात वाहन के जद में आने से भुइयां टोली की कार्तिक की मौत हो गई। दीपावली की खुशियां बुधवार रात उस वक्त मातम में बदल गई जब सदर अस्पताल के करीब हुए सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। बताया गया कि भुइयां टोली निवासी कार्तिक दास अपने कुछ साथियों के साथ घर से लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना में मौके पर ही कार्तिक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन पहुँचे और चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। बाद में अहले सुबह मृतक के परिजन व अन्य लोग सदर अस्पताल के पास जुटकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर वीडियो विभूति मंडल सीओ धीरज ठाकुर, थाना प्रभारी विनय राम आदि पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान परिजनों ने कार्तिक की मौत को एक साजिश करार दिया। बताया गया कि घटना के वक्त कार्तिक के साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कार्तिक को सदर अस्पताल पहुंचाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इधर घटना को लेकर पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार। कौन लगते हैं ये? मेरा चचेरा भाई है। कैसे क्या हुआ? वही पर फोन आया रात में कि इस तरह की रिपोर्ट के पास एक्सीडेंट हो गया है। वही हम लोग दौड़े थोड़े आए, यहाँ देख रहे हैं कि स्पॉट डेट है, मर चुका था। पूछताछ की है तो उससे पता चल रहा कि दो गाड़ी में आपस में टक्कर किए हुए थे, उसी में। आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता, इसी कारण तो हम मतलब जांच के लिए हम एप्लीकेशन दिए हुए हैं सर को, अपने तरफ से किए हुए कि जांच थोड़ा सा जांच कर लीजिए, क्योंकि कहा कि हमको थोड़ा सा संदेह लग रहा है। क्या संदेह लग रहा है? संदेह लग रहा है कि जो जो उनका साथ था, कि मतलब एक्सीडेंट होता तो दोनों बाइक या फिर जो उसका साथ है उसको भी कुछ चोट उट नहीं लगा है। तो एक्सीडेंट होता तो जाहिर सी बात है कि जो बाइक में थे जब वो डेट कर गए तो उनको तो जरूर पैर हाथ में चोट या फिर कहीं चोट लगना चाहिए। कौन कौन थे साथ में? कोई बाबू नाम का लड़का है। कहाँ कराने वाले? बगल का ही मोहल्ले का। इस मामले में क्या कुछ मुआवजा राशि का कुछ दीवान किया? सीओ साहब हमको 5,000 रुपये दिए। और क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि जो लाभ मतलब बनेगा वो लोग की तरफ से या बुजुर्ग की तरफ से जो रहता परिवार ही जो रहता है वह कोशिश करेंगे। रात्रि 11 बजे के लगभग ये कार्तिक अपने दोस्त बाबू के साथ घर से निकले थे घूमने के लिए। 12 बजे के बाद लमसम उसके चचेरे भाई कुणाल कुमार को सूचना मिली
रिश्तेदार के द्वारा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना के उपरांत तो वो घर से बताए गए जगह कोर्ट गेट के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर पहुँचे तो वहाँ उनको पता चला कि हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल आने पर कार्तिक हाड़ी के दोस्त बाबू से पूछताछ किए और साथ ही देखे कि वो कार्तिक हाड़ी की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग जमा होने के बाद बाबू से पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि कोर्ट के मुख्य गेट के कुछ दूरी पर ही मोटरसाइकिल लेके क्रॉस कर रहे थे। विपरीत दिशा से आई मोटरसाइकिल के द्वारा धक्का मार दिया गया जिसमें हमारा दोस्त कार्तिक हाड़ी गंभीर रूप से चोट जख्मी हो गया। इससे जख्मी हालत में संभालते हुए हॉस्पिटल लाए जहां कुछ ही देर के बाद चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। बेंगाबाद थाना परिसर में बने नवनिर्मित स्वागत कक्ष का उद्घाटन एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने विधिवत रूप से किया। मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बेंगाबाद थाना परिसर में गुरुवार को नवनिर्मित स्वागत कक्ष का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एसपी सुरेंद्र झा शरीक हुए। स्वागत कक्ष का उद्घाटन एसपी व अन्य गणमान्य लोगों ने फीता काट कर सामूहिक रूप से किया। कार्यक्रम में एसपी का स्वागत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया। समारोह को संबोधित करते हुए एसपी सुरेंद्र झा ने कहा कि मैत्रीपूर्ण पुलिसिंग के माध्यम से बेहतर सेवा देना ही पुलिस का लक्ष्य है। पुलिस पदाधिकारी समाज के साथ समरसता का माहौल बनाकर अपराध नियंत्रण और क्षेत्र में शांति बनाने की दिशा में कार्यरत है। इस अवसर पर उन्होंने थाना परिसर में पदाधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्वागत कक्ष निर्माण कराने की मुक्त कंठों से प्रशंसा की। इस पुनित कार्य के लिए उन्होंने थाना प्रभारी फैज रब्बानी समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को साधुवाद देते हुए कहा कि लोगों का यह प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और क्राइम कंट्रोल को लेकर परामर्श भी किया। मौके पर कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बेहतर माहौल बनाए रखने की बात कही। यहां कार्यक्रम में सदर SDPO जीत वाहनुराव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, BDO कुमार अभिषेक सिंह, CO संजय सिंह, महेंद्र वर्मा, श्री पूजन राम, राम रत्न राम, डॉक्टर राजेश पुद्दार, जयप्रकाश मंडल, हसनैन आलम, शहनवाज अंसारी, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद जैनुल अंसारी, मुन्ना सिंह, सचिन सिंह, विपिन कुमार सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। थाना परिसर में इस सुंदर एक स्वागत कक्ष बैठक कक्ष का जो नियोजन किया है, हमें बताया गया कि इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों प्रबुद्ध लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली यह हमारी जो सोच संकल्पना है पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, जनोन्मुखी पुलिसिंग। बेंगाबाद थाना परिसर में पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग जो हम लोगों का मॉडल है, संकल्पना है कि आम जनता पुलिस के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम लोग एक जुनूनमुखी प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर सकें। उस दिशा में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक बहुत ही अपना प्रयास किया गया। आप देख पा रहे होंगे थाना परिसर में एक सुंदर स्वागत कक्ष बनाया गया है जिसमें कि जो क्षेत्र के लोग आएंगे उनकी बात सुनी जाएगी, साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ के प्रति जो मतलब उनकी दायित्व हैं उनको भी पूर्ण किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोच है और जो 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 जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं किया है वास्तव में वो एक समाज की रोल हो सकते हैं। कि वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस और आम लोग में जो गैप होता है उसको इन लोगों ने तोड़ दिया है और भी प्रूफ कर दिया है कि पुलिस प्रशासन और समाज हम सब का एक ही लक्ष्य है कि समृद्ध भारत, विकसित भारत, सुरक्षित भारत, संगठित भारत। फिर से समस्त जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को, थाना प्रभारी को, हमारे पुलिस पदाधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के साथ ये स्थापित किया गया है अपने मनसा में ये कामयाब हो। धन्यवाद। मकतपुर स्थित बंगला स्कूल में खूब भव्य ढंग से काली पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान बुधवार रात पूजन स्थल में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी संचालित की गई।
वहीं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मगतपुर स्थित बंगला स्कूल में इस बार भी खूब धूमधाम से काली पूजा मनाया गया। यहां काली पूजा को लेकर खास व्यवस्था की गई थी। इस दौरान बंगला स्कूल परिसर को खूब भव्य ढंग से सजाया गया था। वहीं लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही यहां लगी रही। बुधवार को देर रात तक श्रद्धालु दर्शन पूजन को यहाँ पहुँचते रहे। पूजन समारोह को भव्य बनाने के लिए काली पूजा समिति ने भी खास तैयारियां कर रखी थी। मौके पर बच्चों के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गई। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने जहां डांस, वॉलीबॉल समेत अन्य इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं महिलाएं भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। प्रतियोगिता के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों व प्रतिभागियों को संस्था की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। यहां कार्यक्रम की सफलता में संस्था के सचिव तरुण मुखर्जी, देव घोष, नॉन्टा पोस्ट, दुलाल घोष, तारकनाथ देव, सुजित घोष, अमित डे, संदीप चौधरी आदि लगे हुए थे। पाता जल्दी से उस तरह का प्लेटफॉर्म का आयोजन किया गया और बंगला में ही हम लोग चिराग कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। ये बंगला स्कूल के पहले भी बहुत बार हुआ है। मुख्यतः डांस का प्रतियोगिता था, कुछ बच्चों लोग का गेम्स था, स्पोर्ट्स था, जैसे बॉल थ्रोइंग था, बास्केटबॉल कैचिंग था और महिला में भी बहुत सारा कार्यक्रम किया गया और मोमबत्ती प्रतियोगिता है और भी बहुत सारा कार्यक्रम जिसमें बच्चा लोग को एंजॉय किया जाए, उसको बांध के रखा जाए और उन लोग कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हिस्सा ले तो उसको इंफो मिले, है ना। हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं, केवल बने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, बाकी सब जितना भी बच्चा पार्टिसिपेट लेता सबको कोशिश किया जाता है ताकि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और अपने विश्वनाथ पाल उनको सहयोगिता करते हैं जिसमें नाम है विश्वजीत घोष, लालपुर चटर्जी, कुमार, अयोन बनर्जी, जैन कमिनी दास, बाबू घोष। दीपावली पर हर ओर आतिशबाजी हो रही थी। वहीं शहर के मुस्लिम बाजार और गार्डेना गली में अचानक सनसनी फैल गई। यहां दो अलग दुकानों में आग लग गई। हालांकि जल्दी फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दीपावली की शाम को शहर में दो अलग अलग स्थानों में हुई आग लगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई। पहली घटना शहर के बावन टोली रोड स्थित एक रेडीमेड कपड़ा दुकान के गोदाम में आग लगने की है, जबकि दूसरी घटना मुस्लिम बाजार स्थित फरहत बुक स्टोर नामक किताब दुकान की है, जहां फटाकों में आग लगने से भयावह स्थिति बन गई थी। फरहत बुक स्टोर में देर शाम करीब 8 बजे आग लगी। गनीमत यह रही कि बुक स्टोर में आग लगने के बाद जब धुआं और आग का गुबार उठता दिखाई दिया तो स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। इस बीच सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का वाहन भी मुस्लिम बाजार पहुंचकर बुक स्टोर के गोदाम में लगी आग को बुझाने में लग गया। इस बीच DSP नवीन सिंह भी पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे और शिव मोहल्ला व बड़ा चौक से आने जाने वाले वाहनों को मुस्लिम बाजार के प्रवेश पर रोक लगा दिया। Thank you.
पटाखा बुक स्टॉल में रखा था, मगर बुक डिपो में आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में दुकान संचालक द्वारा करीब 70,000 रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि गोदाम में लगी आग को जब स्थानीय लोगों ने देखा तो दुकान के पिछले हिस्से से गोदाम से पटाखों का स्टॉक निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग से बुक स्टोर को संचालक मोहम्मद मुजम्मिल और उनका बेटा जैकी ने आनन फानन में पटाखों का सारा स्टॉक दुकान के करीब एक आंगनबाड़ी केंद्र में रखकर आग पर काबू पाने में जुट गए थे, जिससे मुस्लिम बाजार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आग लगी से कपड़ा व्यवसायी को करीब 1,25,000 का नुकसान हुआ। इधर बावन टोली के कपड़ा गोदाम में आग लगी के कारण भी पटाखों की चिंगारी ही बताई जा रही है। घटना देर शाम 7 बजे के करीब की है। कपड़ा गोदाम शहर के चंदोरी रोड के कपड़ों के थोक विक्रेता राजकुमार चौधरी की है, जबकि जिस दुकान में चौधरी का गोदाम संचालित है वह बावन टोली रोड निवासी गोपाल बर्नवाल की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के दौरान गोदाम का शटर गिरा हुआ था। गोदाम में आग लगने के बाद जब धुआं निकलना शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों की नज़र गोदाम पर पड़ी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग बुझाने में लग गए। इस बीच लोगों ने गोदाम के शटर को तोड़ दिया और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में हुई आगलगी के कारण करीब 1,25,000 के नुकसान होने की बात गोदाम संचालक द्वारा कही जा रही है। हम लोग पहुँचे और कौन पर किस आग लगा है तो पड़ाका आग लगे इसका तो हम लोग को नहीं कोई जानकारी है, बाकी हम लोग आग मैंने अभी शुरुआती अनुमान क्या लग रहा है, कितना का नुकसान हुआ होगा? अभी तो आकलन हो रहा है समझे, कितना का मैंने आकलन मैंने नुकसान हुआ है उसके बारे में तो हम लोग नहीं अभी बताएंगे समझे के कि मैंने कितना का आकलन है तो क्षति हुआ है समझे। क्या चीज़ का दुकान रही है? ये था ये जैकेट का था समझे। दीपावली पर पूरा शहर रोशनी से नहा उठा, वहीं जमकर आतिशबाजी भी हुई। पूरे गिरिडीह शहर में रोशनी के इस त्योहार का इस्तकबाल खुल कर किया। शहर में बुधवार को दीपोत्सव की धूम रही। दीपों का त्योहार दीपावली अपने साथ ढेर सारी खुशियां, उमंग, उल्लास और भाईचारगी समेट लाई। इस दौरान हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। दीपावली पर पूरा शहर रोशनी से नहा उठा, झिलमिल झिलमिल रोशनी छिटक रही थी। गिरिडीह में दीपावली के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए था। इस दौरान शहर के हर गली, हर चौराहे, हर मकान, हर प्रतिष्ठान को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दीपावली को लेकर बाजार में भी रौनक देखने को मिली।
दीपोत्सव पर गणेश लक्ष्मी की पूजा आराधना को लेकर बाजारों में दिन भर जमकर खरीदारी हुई। जैसे तैसे दिन चढ़ा, वैसे वैसे शहर की खूबसूरती बढ़ती गई। शाम ढलते ही पूरा शहर रोशनी से सराबोर हो उठा। कुल मिलाकर दीपावली का स्वागत गिरिडीह में खूब गर्मजोशी से किया गया। इस दौरान हर और खुशियां ही खुशियां देखने को मिली। देर रात तक आतिशबाजी होती रही, वहीं लोग भी देर तक सड़कों पर दीपावली की खुशियों में खुद को शामिल करते नजर आए। कांग्रेस के दिग्गज नेता सरफराज अहमद गुरुवार को पेंगाबाद के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
पूर्व सांसद सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड के दौरे पर थे। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के बाद वह बेंगाबाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार से आम जनता त्रस्त है। सरकार की नीतियों के कारण आम आवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावी वादों में से एक भी वादा सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। सरकार विकास की राजनीतिक छोड़कर विनाश की राजनीति कर रही है। धर्म संप्रदाय आदि के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इमारतों और शहरों का नाम बदलने से अब जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड परिसर में नए प्रखंड व अंचल कार्यालय के उद्घाटन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना किसी व्यवस्था के सिर्फ भवन का उद्घाटन कर देना फजूल है। सिर्फ घोषणाओं और फीता कार्ड देने से विकास नहीं हो सकता। नए भवन में समुचित व्यवस्था होने के बाद ही जनता को इसका लाभ मिलेगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव जैनुल अंसारी, मुखिया मोहम्मद शमीम, युद्ध कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हसनैल आलम, कल्लू अंसारी, खुर्शीद अनवर हादी, मोहम्मद मिनसर, मुंशीदास माचू मियाँ, फरीद अंसारी, इसराइल अंसारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बात चल रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप किसी जगह का योजना का नाम बदल लीजिए उससे कोई आपको पॉलिटिकल लाभ हो जाएगा, ये नहीं होता। बल्कि उसमें और करोड़ों करोड़ रुपया सरकारी खजाने का खर्चा हो जाता है, ये बात समझने की है। अब आपने इस स्टेट में पारा टीचर के साथ जो आपने वादे कर दिए, लंबी चौड़े बातें कह दिए, सब बाग दिखा दिया उनको, तो फिर क्यों आपने टेट का इम्तहान लिया था? एक तरफ आप स्कूल बंद किए चले जा रहे हैं, आज जो स्कूल बंद हुए हैं गांव के अंदर के, और उसमें जो अधिकांश जो बेचारी बच्चियां हैं, आप उसको दूसरे स्कूल में उसका डिस्टेंस देखिए कितना दूर उनको जाना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि चाहे हर स्तर के इसका विरोध किया गया। सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी के लोग भी MP से लेके MLA से लेके मुखिया जनप्रतिनिधि ने सब चीज़ ने स्कूल बंद का विरोध किया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रही। आखिर सरकार किसके बात पर चल रही है? कौन इस सरकार को चला रहा है? उसी तरह मुखिया भी नाखुश हैं, पंचायत समिति सदस्य को आपने कुछ दिया ही नहीं है, पारा टीचर की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान में जो काम कर रहा है वो एक टीचर शिक्षक से ज़्यादा उनकी तनख्वाह, और जो भी जनहित की दृष्टिकोण से जो भी कार्य या जो भी काम गलत होगा उसका सही समय पर और सही वक्त पर हम विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि आप आने वाले दिनों में आप सही फैसला लीजिए, उनको चुनिए जो आपके साथ वादा खिलाफी नहीं करेंगे। पूरे जिला को सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए। आप मिलों मिल चले जाइए, धान का फसल जो है खराब हो गया है, धान जल गया है, लोग त्राही मामा। जमुआ के रानीडी में संचालित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में गुरुवार को खसरा व रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया गया। मौके पर बच्चों ने बड़े उत्साह से टीका लगवाया और इस अभियान की सफलता में अपना सहयोग दिया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे खसरा व रूबेला की रोकथाम को लेकर टीकाकरण अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में जमुआ के रानीडी स्थित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में खसरा व रूबेला का टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान में स्कूली बच्चे बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए और सभी बच्चों ने टीका लगवाया। यहां इस अभियान की सफलता में विद्यालय के निखिल जायसवाल, नीरज सिन्हा, रंजीत उपाध्याय, जितेंद्र पाठक, नेहा दुबे, अनिल कुमार, शिवशंकर वर्मा आदि का योगदान सराहनीय रहा। Organized and many
parents and guardians took part in this program, which is run by the state government. Almost students have taken this vaccination, and this vaccination protects from many kinds of disease like Ashra and Rubella, these types of disease. And this is a communicable disease, so vaccination is essential for each child. The age is 1 to 4. मौके पर टीकाकरण के लिए पहुंची पोषण सखियों ने कहा कि यह टीकाकरण बच्चों के लिए बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से बचा जा सके। सखी हूं और यहां ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में हम लोग खसरा और रुबेला मीजल्स वगैरह जो बच्चों को हमेशा वैक्सीन पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों में ये बीमारियां अभी भी पाई गई हैं, इसलिए बच्चों को फिर दोबारा सरकार द्वारा ये प्लान चलाया जा रहा है कि हर सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी, प्राइवेट स्कूल, हर स्कूल्स में दिया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं, और ये वैक्सीन अगर किसी एक बच्चे को भी छूट जाता है तो उस बच्चे से बाकी जिन बच्चों को वैक्सीन पड़ चुका होता है उन बच्चों को भी वो दोबारा ग्रसित कर देता है। इसलिए इस बीमारी से बचने का यही एक उपाय है कि हर एक बच्चे को ये वैक्सीन पड़ना चाहिए। ये वैक्सीन किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये वैक्सीन सरकार द्वारा दिया जा रहा है, NRHM इस के लिए काम करती है। महाछठ की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर गुरुवार को झरिया गांधी छठ घाट में स्थानीय लोगों ने जोरदार ढंग से साफ सफाई अभियान चलाया। दीपावली की समाप्ति के बाद महाछठ की तैयारी शहर में शुरू हो गई है। गुरुवार को झरिया गाड़ी छठ घाट पूजा समिति की ओर से छठ व्रती के लिए घाट को दुरुस्त करवाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से घाट पर जेसीबी से दहरी की व्यवस्था की गई। वहीं घाट के आसपास की गंदगी को भी हटाया गया। बताया गया कि झरिया घाटी घाट में 52 टोली, राजेंद्र नगर, स्टेशन रोड और झरियागाड़ गाँव के लोग भारी संख्या में श्रद्धालु अर्धदान के लिए पहुँचते हैं। यहाँ साफ सफाई व्यवस्था का जायजा खुद मुखिया कृष्णलाल ठाकुर देख रहे थे। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद राजू यादव, नरेश ठाकुर, विनोद ठाकुर, सुनील पंडित, कमल देव ठाकुर, मनोज ठाकुर, विक्की ठाकुर समेत अन्य कई ग्रामीण उपस्थित थे। आज हमारे ग्रामीण सारे ग्रामीण के लोगों मिलकर और समाज सेवी सुरेंद्र वर्मन की ओर से ये जेसीबी यहाँ पर चलाया जा रहा है। हम लोग ये नदी में जो नाला का पानी चल रहा है उसको देखते हुए साफ सफाई की के लिए छठ मैया का जो व्रत करने वाले छठ मैया व्रती लोग हैं उसके साफ सफाई के लिए हम लोग घाट में अलग से जेसीबी के द्वारा बालू चीर कर फ्रेश पानी निकाला जा रहा है ताकि छठ व्रत करने वाले छठ माँ बहनों को किसी तरह का कठिनाई का सामना ना करना पड़े और साफ सफाई में अच्छा हो, इसलिए हम लोग शुद्ध पानी निकलवा रहे हैं झरिया छठ घाट में। अंत में नजर डालते आज की सुर्खियों पर। दीपावली की खुशियां बदली मातम में, सड़क हादसे में हुए की मौत, मचा कोहराम, वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। दीपावली के चमक दमक के बीच शहरी क्षेत्र के दो स्थानों में मची अफरा तफरी, मुस्लिम बाजार और बावन टोली के एक एक दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से जल्द ही पाया गया आग पर काबू, लाखों की सामग्री जलकर हुई खाक। बेगाबाद थाना परिसर में उत्साह भरे माहौल में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का हुआ उद्घाटन, SP सुरेंद्र झा समेत कई खासो आम हुए शरीक। तमाम लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस प्रयास की मुक्त कंठ से की सराहना। और काली पूजा को लेकर बंगला स्कूल में आयोजित हुई कई तरह की प्रतियोगिताएं, बच्चे व महिलाएं बेहद उत्साह से इन प्रतियोगिताओं में हुए शामिल, विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत।
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।